तो आपके कैलकुलेशन को आज वसूल करने का टाइम आ गया है, कैलकुलेटर को वो है। लेकिन उसके पहले जरा अपन थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, गॉर्डन्स ग्रोथ क्या है, अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला उसके आजू बाजू की चीजों को जरा कनेक्ट करते रहना, क्योंकि जो अपन ने स्टार्ट किया है दैट्स जस्ट अ स्टार्ट। जो गॉर्डन्स ग्रोथ का वैल्यूएशन किया है उसको अभी अपन थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे। सो उसके पहले गॉर्डन्स ग्रोथ अपने को क्या देता है, क्या देता है गॉर्डन्स ग्रोथ से अपने को क्या आता है? पी जीरो, व्हाट इज दैट? इंट्रिंसिक वैल्यू। मेरे हिसाब से क्या प्राइस होना चाहिए? दैट इंट्रिंसिक वैल्यू एज पर मी इज पी जीरो विच इज बेस्ड ऑन डी वन एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स, राइट, बराबर अपॉन के ई माइनस जी। क्या करता हूं मैं? के माइनस जी करके इसको परपेचुअल करता हूं। मतलब यहां पे मेरा अजम्पशन क्या है कि एक ही डिविडेंड मिलेगा जो कॉन्स्टेंट रेट पे ग्रो होगा, एवरीवन। सो कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल, तो इसका दूसरा नाम अपन क्या बोलते हैं? इट इज कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल। देयर इज ओनली वन स्टेज, वन स्टेज। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? दैट देयर इज ओनली वन ग्रोथ रेट फॉर एवर। इसके लिए सिंगल स्टेज मॉडल भी बोलते हैं। और ये मॉडल बेस्ड है, ये मॉडल का पूरा क्या बोलते हैं, पूरा उसका वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन डिविडेंड्स। सो इट अज्यूम्स, व्हाट गॉर्डन अज्यूम्स, दैट दिस मॉडल इज एप्लीकेबल परहैप्स ओनली टू द कंपनीज विच पे डिविडेंड्स। द कंपनीज विच डोंट पे डिविडेंड्स उनके लिए मॉडल है ही नहीं। सो इसीलिए इस मॉडल का दूसरा नाम है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। सिंगल स्टेज मॉडल, कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, अलग अलग नाम उसके, एवरीवन, राइट 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 राइट। तो जो भी अलग अलग नाम है उसका रेफरेंस भी समझो, ऐसा क्यों, वाई उसको सिंगल स्टेज या कॉन्स्टेंट ग्रोथ। अब उसमें छोटा छोटा चीज है, जैसे कि सिंगल स्टेज, मतलब ये अज्यूम करो कि एक ही स्टेज है, एक ही ग्रोथ रेट वाला जो फॉरएवर होगा। इज दैट प्रैक्टिकल? इज दैट प्रैक्टिकल? ऑफकोर्स नॉट। इसके लिए अपन इसको आगे, आज शायद अपन शुरू करेंगे मल्टी स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। This is single state discount model. We will do multi-state dividend discount model. That is going to be the main thing. मतलब ये जो गॉर्डन ने मॉडल बनाया था, बराबर, that was very much apt at that time. The technique is very good, but the ingredients, इसके अंदर ingredient क्या है? Dividend है या वो KE है, वो थोड़ा बहुत change होगा और कुछ नहीं। Technique वही रहने वाला है। So इसके अंदर future का dividend D1 कैसे आता है? We estimate कि जो recently paid dividend है और ग्रोथ रेट, उस पर कितना ग्रोथ होगा, दैट इज द फ्यूचर में मिलने वाला डिविडेंड। एवरीवन, ग्रोथ होगा कितना? ग्रोथ इज डिपेंडेंट व्हाट द कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। एवरीवन, जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो या नहीं किया वो, नहीं किया वो, जिसको अपन बोलते हैं रिटेंशन रेशियो, और उस पर कितना कंपनी अर्न करेगा, एटलीस्ट उतना जो लास्ट टाइम उसने अर्न किया था। किसके लिए ये किसको बिलोंग करता है? इक्विटी शेयर होल्डर को, तो उनको लास्ट टाइम मिला था क्या आरओई, उतना तो अर्न करेगा ही करेगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? राइट राइट राइट। अच्छा, अब ये केई जो अपन निकालते हैं, जो इन्वेस्टर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो अपन निकालते हैं यूजिंग सीएपीएम। सो केई इज आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, केई इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक रिस्क। एवरीवन, वी डोंट कंसीडर अनसिस्टमैटिक रिस्क बिकॉज दैट गेट्स diversified in a portfolio. Understood everyone? Ye, these are all the factors. ठीक है, इसको अपन ने किया था। अब अगर आप चाहो, अगर आप चाहो तो fortunately for you, institute क्या करता है, growth rate अपन जितने भी सम देखेंगे ज्यादातर cases में institute growth rate दे देता है, otherwise अपने को शायद निकालना पड़े। तो तीन चीजों है ना, एक एक करके ध्यान देना। कभी कभार अपने को institute dividend नहीं देगा, तो dividend कहाँ से निकलता है, dividend कहाँ से आता है, कहां से आता है डिविडेंड? अर्निंग से। सो ईपीएस इनटू पेआउट रेशियो इज डीपीएस। एवरीवन, अर्निंग्स का कितना प्रोपोर्शन पेआउट करना है, दैट इज डीपीएस। एवरीवन एवरीवन, राइट राइट राइट। कभी कभार आपको प्राइस बोलेंगे ढूंढो दूसरे तरीके से, मतलब पी जीरो भी शायद ढूंढने बोले। दूसरा एक तरीका है प्राइस ढूंढने का, क्या? पीई रेशियो इनटू इंटू इंटू क्या, ई पी एस इज एम पी एस। सुने हो कि नहीं ये सब? प्राइस अर्निंग रेशियो इंटू ई पी एस एम पी एस। एवरी वन, राइट राइट राइट, ठीक है। और अभी मैं थोड़ा ग्रोथ को ट्विस्ट करता हूँ, जरा देखना। आई विल रिपीट, अभी जो ये मैं करने जा रहा हूँ, आपके इंस्टीट्यूट ने आज तक इतना डिटेल में पूछा नहीं है, बट अपने इधर बैठे स्टूडेंट को सब लेफ्ट राइट नॉर्थ सेंटर सब आना चाहिए। सो
अभी जो मैं करा रहा हूँ उसका दिमाग में लोड मत लेना, बट जस्ट समझना कि किसको मैं कितना खींच रहा हूँ. सो रिटेंशन रेशियो कैन आई से इज 1 माइनस पे आउट रेशियो. आरओई इज पैट अपॉन टोटल इक्विटी. एवरीवन 1 माइनस पे आउट रेशियो को मैं एक्सटेंड करूं तो दिस इज 1 माइनस डीपीएस अपॉन ईपीएस. एवरीवन एंड ये पैट अपॉन टोटल इक्विटी को भी मैं ना पर शेयर अगर कर दूं नंबर ऑफ शेयर तो भी कुछ आउटकम मिलेगा. सो 1 माइनस डीपीएस अपॉन ईपीएस इज व्हाट आई कैन से ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन ईपीएस इनटू पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर. क्या होता है ईपीएस और टोटल इक्विटी मतलब पूरे इक्विटी का वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स करूंगा तो मेरे को एक इक्विटी का वैल्यू मिलेगा दैट इज एमपीएस. इफ यू नाउ सी द आउटकम बिकम्स व्हाट ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन एमपीएस. समझ में आ रहा है क्या? अब अगर आप नोटिस करोगे तो एक फॉर्मूला है अर्निंग्स यील्ड और दूसरा है डिविडेंड यील्ड. क्या बोलते हैं दोनों? कितना रिटर्न कमाया ऑन द इन्वेस्टमेंट, आपने जितना प्राइस डाला उस पर कितना रिटर्न कमाया इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग्स तो ईपीएस, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड तो डीपीएस. एवरीवन सो अगर नोटिस करोगे अर्निंग्स यील्ड में से डिविडेंड यील्ड निकाल दो तो बचता है ग्रोथ. माइनस करो अर्निंग्स यील्ड माइनस डिविडेंड यील्ड करोगे तो क्या आएगा ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन एमपीएस. समझ रहा है क्या एवरीवन? सो दिस इज गोइंग एक्सट्रीमली डीप इफ यू विश टू गो एवर. फॉर्चुनेटली फॉर यू ऑल द इंस्टीट्यूट डज नॉट गो टू दिस लेवल, दे गिव यू द ग्रोथ रेट. बट जरा अगर अपन ब्रॉडली सोचे तो ग्रोथ रेट मतलब कंपनी का वैल्यूएशन क्या है. कंपनी का वैल्यूएशन में एक हिस्सा है जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो, और दूसरा है जो नहीं किया वो. तो डिस्ट्रीब्यूट किया उस पर जो यील्ड है डिविडेंड यील्ड, और जो नहीं किया उस पर रिटेंशन यील्ड. अर्निंग्स में से माइनस कर डाला. समझ रहे हैं क्या ये? आई रिपीट दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अपने को इतना लोड नहीं लेना है, अपने को सिर्फ पी जीरो डी वन अपॉन के माइनस जिसे पता चल जाए. ठीक है? सो हर चीज जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ रटना नहीं है. ठीक है? सिर्फ इसका कनेक्शन समझाना व्हाट इट कैन बिकम. एक ही फॉर्मूला में कितना सारा चीज आ सकता है. ठीक है? चलो अभी अपन इसको कंटिन्यू करते हैं. जो अपन ने कल सम किया उसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया. एवरीवन क्वेश्चन नंबर 1 उसके बाद के क्वेश्चन पे आ जाओ. एवरीवन एवरीवन ऑन दैट क्वेश्चन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंस्टीट्यूट हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन रिपीटेटिवली. वो जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है अ शेयर ऑफ टेंशन फ्री लिमिटेड मिला सब लोग को. पढ़ रहा हूँ मैं. अ शेयर ऑफ टेंशन फ्री लिमिटेड इज करेंटली कोटेड एट अ पीई रेशियो ऑफ 7.5 टाइम्स. सबसे पहले पी रेशियो मतलब क्या? नहीं नहीं प्राइस अपॉन अर्निंग्स तो सबको पता है. पी रेशियो का मतलब क्या? फुल फॉर्म नहीं बोल रहा हूँ मैं. क्या 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 बोलता है कि एक रुपए के अर्निंग के लिए कंपनी का वैल्यूएशन कितना टाइम्स है? 7.5 टाइम्स इज द वैल्यूएशन एज कंपेयर टू द अर्निंग्स. एवरीवन. सो आज अगर पब्लिक बोलता है कि डीमार्ट इज द मोस्ट वैल्यूड और परहैप्स ओवर वैल्यूड रिटेल कंपनी इन द सेक्टर, मतलब कि डीमार्ट का जितना अर्निंग्स है उसके सामने जो उसका प्राइस है दैट इज पी मल्टीपल इज परहैप्स हाइएस्ट इन द इंडस्ट्री. समझ रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा कंपनी ले लेता हूँ, जैसे कि ये अपना समझो ना डीमार्ट ही ले लेता हूँ. वॉलमार्ट और डीमार्ट दोनों को कंपेयर करता हूँ. वॉलमार्ट एंड डीमार्ट ऑलमोस्ट दोनों का मॉडल सेम है बिजनेस का, राइट? सो वॉलमार्ट और डीमार्ट दोनों को मैं कंपेयर करूँ. सो अगर मैं बोलूँ कि वॉलमार्ट जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जायंट है रिटेल में, उसका प्राइस और उसका अर्निंग्स मतलब वॉलमार्ट का अर्निंग्स है $100 बिलियन और सामने उसका मार्केट कैप या पर शेयर में 100 रुपीज अर्निंग है और उसका प्राइस है समझ लो 1000, तो मैं क्या बोलूंगा? वॉलमार्ट का पी रेशियो इज 10 टाइम्स. एवरीवन राइट?
अब अगर मैं बोलू डीमार्ट का अर्निंग्स है 50 रुपीज, डीमार्ट का अर्निंग्स है 50 रुपीज, और सामने कंसिडरिंग वॉलमार्ट का पी रेशियो, डीमार्ट का वैल्यू कितना होना चाहिए था, मतलब डीमार्ट का प्राइस कितना होना चाहिए था, 500 होना चाहिए था, राइट राइट राइट। लेकिन अगर डीमार्ट का वैल्यू समझो 600 है, तो उसका पी रेशियो 10 से ज्यादा होगा। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या बोलूंगा, डीमार्ट इज रिलेटिवली ओवर वैल्यूड टू वॉलमार्ट और वॉलमार्ट इज अंडर वैल्यूड, एवरीवन। तो यहां पे डीमार्ट का मेरे को पी रेशियो आ जाएगा 12। लेकिन अगर मैं देखता हूं पूरी इंडस्ट्री का, रिटेल सेगमेंट का, इंडस्ट्री का पी रेशियो अगर 11 है, तो मैं क्या बोलूंगा, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में डीमार्ट इज ओवर वैल्यूड, वॉलमार्ट इज अंडर वैल्यूड। अंडरस्टूड एवरीवन? सो व्हेन समवन सेज दैट डीमार्ट इज वेरी ओवर वैल्यूड इन अ क्विक सेंस, दैट मीन्स डीमार्ट का पी मल्टीपल इज रिलेटिवली हायर देन द इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है क्या? नाउ इसका मतलब ये ऐसा लग रहा है आपको डीमार्ट इज ओवर वैल्यूड, बट कैन इट ऑल्सो बी द केस दैट, देखो कोई चीज महंगी होती है इसका मतलब ही नहीं कि हर महंगी चीज को बेच दो, बराबर ना? आपको रस्ते में एक सादा वॉच मिल रहा है और एक फॉसिल का वॉच मिल रहा है, आप बोलोगे सर एवरेज वॉच का कीमत होता है 100 रुपीज, फॉसिल का वॉच का कीमत है 10,000, तो बेच दो। नहीं, सो कुछ चीज ओवर वैल्यूड होती है उसका कुछ रीजन भी जस्टिफाइबल होना चाहिए, और कुछ अंडर वैल्यूड होती है, कुछ सस्ते में मिल रही है तो उसका भी कोई रीजन होगा, एवरीवन, राइट? सो वी कंसीडर ऑल दोस फैक्टर्स एंड देन वी कम वेदर द वैल्यूएशन इज फेयर और नॉट। सो इट कैन ऑल्सो बी द केस के डिमांड उसके प्रोस्पेक्ट के हिसाब से शायद भले ओवर वैल्यूड कंपेरिजन में दिख रहा है, बट इट कैन बी जस्टिफाइबल, एवरीवन, ठीक है? तो वो हो सकता है। एनीवे, अपने को पी रेशो का अपन मतलब समझ रहे थे कि पी रेशो का मतलब क्या होता है, इट्स अ मल्टीपल अर्निंग्स के सामने शेयर का वैल्यू कितना होगा, अंडरस्टूड, ठीक है? आगे दूसरा अपन वहां पे रेशो देखेंगे, तो उन्होंने अपने को और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, उन्होंने दिया अपने को द रिटेन पर शेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, रिटेन पर शेयर उन्होंने बोला है, रिटेन पर शेयर कितना है, रिटेन पर शेयर उन्होंने बोला है विच इज 37.5% इज 3 पर शेयर, एवरीवन। अच्छा, अर्निंग्स में से कुछ अमाउंट जाता है पे आउट में और बचा हुआ रिटेंशन में, सो कैन आई से अर्निंग्स इज 100%, और अगर रिटेंशन इज 37.5%, सो पे आउट विल बी 62.5%, एवरीवन। सो इधर से आप तुरंत ढूंढ सकते हो दो चीज, डिविडेंड कितना रहेगा और अर्निंग कितना रहेगा, ढूंढ सकते हो एवरीवन? जरा निकालो मेरे को, डिविडेंड which is 62.5% will be कितना, 5 rupees, और this 100% will be 8 rupees, everyone। एक information से multiple information। आगे compute a part में बोला है the company's cost of equity if investors expect annual growth rate of 12%, निकाल सकते हैं अपन के एवरीवन, as per Gordon's growth क्या d1 upon p0 plus g। आपको ढूंढना क्या पड़ेगा, सुनो सुनो सुनो, पहले P0 निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे P0? एवरीवन, अभी तो अपन ने देखा पी रेशो इंटू EPS दोनों है अभी आपके पास, एवरीवन। उधर से आपको आ जाएगा क्या आ जाएगा आपके पास वहां पे, एवरीवन, अपने पास KE आ जाएगा। पार्ट बी में क्या पूछा अपने को, पार्ट बी में इफ एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट इक्वल्स टू 13% कैलकुलेटेड प्राइस विद द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब एवरीवन, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है तो प्राइस पहले कितना आया उससे तो ज्यादा आना चाहिए, ठीक है? सी वाले पार्ट में उन्होंने बोला है इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाता है 18% एंड द ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाता है 15%, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस अज्यूमिंग एवरीथिंग इज सेम, ठीक है? कर सकते हैं, स्टार्ट डूइंग इट एवरीवन। आपका पी रेशियो 7.5 इंटू EPS इज 8, सो योर P0 विल बी कितना, 60। यहां पे जब आप फॉर्मूला लिखो तो लिखना एज पर गॉर्डन्स ग्रोथ,
वहां पे D1 लोगे, आपके पास जो है वो करंट डिविडेंड है. एवरीवन एक्सपेक्टेड है ये तो नहीं बोला है. सो अपन इसको कंसीडर करेंगे क्या D0. सो आई विल डू 5 इनटू ग्रोथ रेट व्हिच इज दिया है ग्रोथ रेट उन्होंने 12% 1.12 अपॉन प्राइस निकाला 60 प्लस 0.12. सो योर KE इन फर्स्ट केस शुड बी 21.33%. कहीं पे उन्होंने क्लैरिटी नहीं दिया ये एक्सपेक्टेड है कि नहीं, तो आपने क्या लिख देने का, अज्यूम्ड D0. अपन ने लिखा है इफ नथिंग गिवन इन सर्टन प्रेफरेबली अज्यूम D0. वही KE को लेकर अपन प्राइस निकालेंगे तो अभी 5 D1 प्राइस अपना D1 अपॉन KE-G. सो विल डू D1 अपॉन KE-G. सो योर D1 विल बी 5 इनटू ग्रोथ रेट है तो न्यूमरेटर भी चेंज 0.2133 माइनस 0.13. योर प्राइस विल बी रुपीस 67.23. जस्ट चेक आउट अच्छे से, पहले 67.83 शुड बी योर आंसर. आप पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, उसको एम प्लस में स्टोर कर सकते हो, डिवाइड इक्वल टू करके 5 × 1.13 लेना. आया 67.83. फिर थर्ड वाले केस में P0 अगेन D1 अपॉन KE-G, तो आपका D 5 × 1.15 करेंगे, KE भी चेंज हो गया 0.18 माइनस 0.15, तो आपका ये वाले केस में P0 विल बी रुपीस, बढ़ जाएगा प्राइस थोड़ा, Everyone, right? Easy? ठीक है, चलो. अच्छा, अगर आपका ये हो गया है तो पूरे क्लास से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो आपका कैलकुलेटर कहीं साइड पे रख दो, अपने को आने वाले आधे घंटे कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है, और मेरे को चाहिए भी नहीं कि कोई कैलकुलेटर में रहे.